अच्छा लग रहा है आपको देख के। ये लो अपने पैसे और आइंदा कभी अपनी ये शक्ल ना दिखाना मुझे, वरना तुम अपनी सारी जिंदगी पछताते रहोगे। आई समझ के नहीं? चलो अरे वाह बुरार, सोने की कान मिल गई तुझे। अभी तो इस रिश्ते का आगाज हुआ है जावेदा मैडम, अब तो हम अक्सर एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। मिशाल डियर, सुनो तुम्हें वो पोयम याद है ना जो उस दिन सुना रही थी मैं तुम्हें? तो मिलके पढ़ें आज फिर हम। थोड़ी सी याद दिलाती हूँ मैं। मीठी मीठी रोटी दो मुझे दो, आती है ना? चलो मैं शुरू करती हूँ फिर, तुम भी साथ पढ़ना मेरे, ओके? मीठी मीठी रोटी दो मुझे दो, खाएंगे हप हप एक नहीं दो, पके तवे पे रोटी बोले चिक 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 चिक, घर भर महके अब कौन छोड़ेगा रोटी को, खाएंगे हप हप एक नहीं दो। मीठी मीठी रोटी दो मुझे दो, खाएंगे हप हप एक नहीं दो। चलो अब साथ पढ़ें। मीठी मीठी रोटी दो मुझे दो, खाएंगे हप हप एक नहीं दो। मैं नहीं जानती ये कहां तक मुमकिन है, लेकिन मिशाल अगर अपनी माँ से मिल ले तो मुझे पूरा यकीन है बहुत तेजी से इंप्रूव करेगी वो। हाँ वाकई इस बच्ची को इसकी माँ की जरूरत है, मुझे हर सूरत में इसको इसकी माँ से मिलवाना। शहरी आपा, मैं मेडिकल स्टोर जा रहा हूँ, मिशाल की कुछ मेडिसिंस लेनी है, कुछ और तो नहीं मंगवाना? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मंगवाना। मिशाल को तो कुछ नहीं चाहिए? मालूम नहीं। हाँ लैला सामने बैठी है ना, उसी से पूछ लो तुम खुद। चलिए ठीक है, कुछ याद आए तो कॉल कर दीजिएगा। शहरिया आपा, मैं वॉशरूम जा रही थी तो आप मिशाल को देख लेंगी क्या? हाँ हाँ मेरी बच्ची, जाओ बिल्कुल जाओ। आ जाओ शिरिया दादी की प्यारी प्यारी जान, मेरी प्यारी शहजादी। Thank you.
मुझे नहीं लगता टेंडर से पहले प्रोजेक्ट रेडी हो सकेगा। क्या कहा तुमने? पूछ रहा हूं कि क्या रियान का मसला है? बात हुई? ट्राई किया था मगर बात नहीं बनी। बिल्कुल इग्नोर कर रही है वो मुझे, ना देख रही है ना सुन रही है वो मेरी बात। कसूरवार नहीं ठहरा सकते इसके लिए तुम। खुद देखो उसने किस तरह सरवाइव किया है। उसका इस तरह से रिएक्ट करना बिल्कुल नॉर्मल है। उसे थोड़ा टाइम दो तुम। मगर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है तुम्हें, और बार बार सॉरी बोलते रहो जब तक वो मान ना जाए। शॉल लेने के लिए आई थी बस। क्या कर रहे हैं आप? हटे सामने से। बताया तो है, अभी बात करनी है तुमसे मुझे। देखो तुम्हें बहुत गुस्सा है मुझ पे, जो कि सही भी है। सिर्फ गुस्सा है मुझे? ठीक है, गुस्सा नहीं, इससे भी बड़ा लफ्ज होना चाहिए इसके लिए, आग बबूला। जाहिर है जिस तरह से तुम्हारी तजलील की गई वो ठीक नहीं थी। शायद तुम उसे नफरत भी करो तो वो भी जायज है। तुम्हें कसूरवार नहीं कहूंगा, मगर मेरी जगह खुद को रखकर सोचो प्लीज। अचानक एक आदमी आता है और निहायत बेहूदा बातें करता है उस औरत के लिए जिससे मेरी शादी हो चुकी है, और आप ऐसे शख्स की बातों पर फौरन यकीन कर लेते हैं जबकि आप उसे बिल्कुल नहीं जानते हैं। बिल्कुल, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता था, मगर मैं तुम्हें भी तो अब तक ठीक से नहीं जानता। लेकिन हाँ, कोई भी बात जवाब नहीं बन सकती उसका जो मैंने किया। बहुत बड़ी गलती की मैंने, कबूल करता हूं बहुत ही बड़ी गलती की है, मगर मुझे इस तरह से इग्नोर करने से यह मसला बहरहाल तुम हल नहीं कर सकोगी। हमें इस घर में साथ रहना है, यह घर तुम्हारा भी है रियान। ये मेरा घर नहीं है आमिर, क्योंकि जहां एक औरत की इज्जत पर दाग लग जाए वो मकान उसका घर नहीं हो सकता। मेरे लिए ये एक कैद खाना है जहां मजबूरी में रह रही हूं मैं।
सकती हूँ भाई? आ जाओ सोना। क्या हुआ भाई, बात हो गई आपकी? रयान कहाँ है? चली गई। आप ठीक तो है ना भाई? हाँ मैं ठीक हूं, तुम फिक्र मत करो। रयान को मुझ पर भी गुस्सा है ना, आपको कुछ बताया उसने? ये सब मेरा कसूर है। अगर आप लोगों की सुलह नहीं हुई, खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। सोना, इस वक्त हम सब बहुत टेंशन में हैं। बाद में बात करके मसला हल कर लेंगे, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो प्लीज। अच्छा ठीक है भाई। अरे कहां पर रख दिया पर्चा? यही तो था। शायद जैकेट की जेब में होगा। सर्दी है ना, शॉल लाई हूं तुम्हारे लिए। अरे थैंक यू सो मच। बाज औकात एक ही जगह पड़े पड़े इतनी घुटन फील होने लगती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। आज भी मुझे ऐसा ही फील हो रहा है, पता नहीं क्यों इतने बड़े घर में मेरा दम घुट रहा है। अगर तुम फ्री हो तो मुझे बीच ले चलोगी? और आंटी जी? वो तो खुश होंगे जब हम उनकी नजरों के सामने ना हो तो।
चलोगी ना मेरे साथ? बिल्कुल चलूंगी। तो फिर पक्का हम दोनों शाम को बाहर जा रहे हैं। नहीं, वो सफा ही नहीं है, फाड़ दिया। अब ऐसे भी क्या नफरत यार, उसको अपनी जिंदगी से ही निकाल दिया कमाल साहब ने। बहरहाल वो मिशाल की मदर तो थी, लेकिन उन दोनों के बीच हुआ क्या था? आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके ही कमाल साहब से पूछना पड़ेगा मुझे सब कुछ। अरे कैसी है शहरयापा? बिल्कुल ठीक। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीचे जाओ, मिशाल को देखो जाकर। मैं बिस्तर की चादरें बदल कर आ रही हूँ। बात सुनो, कमाल वापस आ गया है, कई दवाएं लेकर आया है, मुझे तो कहाँ बताएगा। तुम ही जाकर समझ लो बेटा, कौन सी दवा किस तरह और कब देनी है। समझ गई। और सुनो, तुम्हें पता है ना, एक भी दवा देने से रह गई ना तो हम दोनों पे गुस्सा उतरेगा। जी जी जा रही हूँ, फिक्र न करें, जा रही हूँ मैं। बस जाओ। अच्छा वो जाओ भी अब। हाँ, वो कमाल साहब क्या शौक से खाते हैं? सफेद लोबिया। क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं। पागल लड़की। वो आदमी अब तो कोई मसला पैदा नहीं करेगा ना जावेद आंटी? बिल्कुल एतबार नहीं कर सकते। वैसे कहीं वो आमिर को तो नहीं बता देगा? हद करती हो जेमरे तुम। वो एक घटिया दर्जे का ब्लैकमेलर है बस, और कुछ भी नहीं है। आज उसकी डिमांड से ज्यादा पैसे दिए हैं। अगर बास ना आया वो और मजीद पैसों का मुतालबा किया उसने तो? इतनी हिम्मत नहीं है उसकी जेमरे। रिलैक्स हो जाओ, जावेदा आंटी पे सब कुछ छोड़ दो। चलो बस, अब इस फजूल से टॉपिक को बंद करो। अच्छा, अपने बर्थडे का तो कुछ बताओ ना मुझे, कुछ प्लान किया है क्या? बिल्कुल प्लान किया है, बहुत एंजॉय करना है। काश कि तुम मेरी बहू बन गई होती, इतनी शानदार पार्टी अरेंज करती जो बिल्कुल तुम्हारे शाया निशान होती। पूरे शहर को इनवाइट करती मैं, तुम्हारी मदर, उनकी सारी क्लब मेंबर्स। बहुत जबरदस्त शानदार सी पार्टी होती, और फखर से सर उठा के कहती, ये मेरी प्यारी डॉटर इन लॉ की बर्थडे पार्टी है। क्या सोच रही हो? बताओ ना, बेचैनी हो रही है। अभी नहीं बताऊंगी आपको, बस थोड़ा मामला क्लियर हो जाए फिर बताती हूँ। ट्रस्ट मी। महक तो बहुत जबरदस्त आ रही है। और ये भी रेडी है। अरे हैरान हो रही हैं आप क्या? जायका भी महक की तरह हो तो बहुत आला हो जाएगा। वल्ला इसमें थोड़ी सी प्याज और डल जाए ना तो आला हो जाएगा। अच्छा चलें छोड़ें, कमाल साहब को पता नहीं कैसा लगेगा। तुमने क्या सोच के आज खाना पकाया? मतलब मुझे तो भाई अच्छा ही लगा, सच पूछो तो खुश हूँ मैं। अरे आपा, बस मेरा दिल चाह रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम कुकिंग भी करती हो? अगर किसी को ना भी आती हो तो इंटरनेट तो है ना, बस इंटरनेट पे वीडियो लगाएं और साथ साथ पकाना शुरू करते हैं। मुझे तो भाई इंटरनेट नहीं आता, लेकिन तुमने सचमुच हैरान कर दिया है मुझे तो। तुमने फटाफट सब कुछ पका लिया और टेबल पर भी लगा दिया, मैंने क्या किया भला?
यार आपा परेशान क्यों होती हैं भाई, आपके लिए भी बहुत सारे काम हैं, अचार चटनी वगैरह ले जाकर टेबल पर रखें। कितने मुश्किल काम बताए हैं भाई खुदा की कसम। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, बहुत आला जबरदस्त। भूख लग रही है ना प्रिंसेस को? कुछ खास लग रहा है शेरी आपा, महक तो बहुत अच्छी आ रही किचन से। हाँ सही कह रहे हो, बहुत अच्छी महक है, मगर आज तारीफ मेरी नहीं लैला बेटी की करो। आज का सारा खाना उसने बनाया है। और वो भी सफेद लोबिया। चलो आ जाओ मिशाल जी, सुना है तुम्हें बहुत भूख लग रही है, ये आपके लिए। चलो चलो शुरू करो। ये पकड़े आपा। कमाल, वो रोटी उठा के देना जरा। चले अब सब खाना एंजॉय करते हैं। टेस्ट भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका। आफरीन, बहुत ही मजेदार है। पानी लाना तो भूल ही गई मैं। मजे का खाना बना है ना, बड़ी होके शेफ बनूंगी देखना तुम। अच्छा एक निवाला तुम मेरे हाथ से भी खा लो। हाँ पसंद आया तुम्हें? अगर मजे का लगा है तो मैं अपनी गुड़िया के लिए रोजाना मजे मजे के खाने बनाऊंगी। सर्दी तो लग रही है मगर घर से ज्यादा सुकून है। भाई से बहुत नाराज होना तुम। नहीं तो भाई आजकल बहुत उदास हैं। और खुश तो तुम भी नजर नहीं आती मुझे कहीं से। तुम क्या समझती हो मुझे कुछ नहीं पता? तुम्हारा रिलेशन बर्बाद हो गया, वो भी मेरी वजह से। तुम प्लीज खुद को ब्लेम करना बंद करो। हाँ ये बात सच है कि तुमने मेरी फोटो भेजकर बहुत गलत किया है। भाई को तुम पर यकीन होना चाहिए था, तुम बिल्कुल सही थी। हम लोगों ने बहुत गलत इल्जाम लगाए तुम पर। तुम चाहो तो सारी जिंदगी हमसे नफरत कर सकती हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? दुख तो हुआ है तुम्हें और होना भी चाहिए। भाई को बात वेरीफाई किए बगैर ऐसा नहीं करना चाहिए था। असल में भाई ये समझे तुम उनसे गलत बयानी कर रही हो, झूठ बोल रही हो। उन्हें नफरत है झूठ से। मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला उनसे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन उन्होंने मैसेज देखे हैं और तुम्हारी फोटो भी देखी है ना। वो तो सोच भी नहीं सकते थे ये सब मैंने किया होगा। फिर जब उन्हें असल बात पता चली तो वो बहुत अपसेट हो गए, बहुत ही डिप्रेस्ड हैं वो। कितने पशेमान हैं तुम देख रही हो ना। शामदीद भाई। शुक्रिया सोना।
ये सब गलत फहमियाँ मेरी वजह से हुई हैं। जब तक इसकी तलाफी नहीं करूँगी खुद को माफ़ नहीं कर सकती। आपस में बात करें आप दोनों। मैं अपने किए पर आप दोनों से बहुत शर्मिंदा हूँ। जानती हूँ आप दोनों मुझे माफ़ कर देंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ पर हो। सोना ने कहा कि वो अकेले बैठी है यहाँ। जानती हूँ मैं, अगर मालूम होता तो नहीं आते। मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि तुम मुझसे इतनी नाराज हो कि मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती आजकल। प्लीज हमें बात करनी है। क्या कोई मसला है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुको, मत जाओ। प्लीज बात तो सुन लो मेरी। आप इन खातून को परेशान कर रहे हैं। मेरे भाई आप टेंशन ना लें, जाएं प्लीज। साफ नजर आ रहा है ये खातून तुमसे बात करना नहीं चाहती। यार मैं एक दफा फिर कह रहा हूँ तुमसे, तुम जाओ और अपना काम करो। तुम्हारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं तंग मत करूँ, समझे? क्यों लेना देना नहीं है? तुम ऐसा नहीं कर सकते और ना ही मैं तुम्हें इस खातून के साथ जबरदस्ती करने दूंगा। बात सुनो, बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। छोड़ो उसका हाथ, जाने दो उसे, वो तुमसे बात करना नहीं चाहती। ए, खामोश हो जाओ, हद से आगे मत बढ़। मैं खामोश होने वाला नहीं। हर रोज न्यूज में दिखाते हैं औरतों के साथ क्या हो रहा है। कितनी ही औरतें अपनी जान से चली जाती हैं तुम लफंगों की वजह से। या अल्लाह सब्र दे मुझे। आमिर प्लीज खुद पर काबू रखो। भाई आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन ये हमारा अपना मसला है, हम देख लेंगे। क्या मसला है यार? सो गई वो? जी हाँ सो गई। इतने मजेदार खाने कहां से पकाना सीखे? यही बस इंटरनेट और किताबों से सीखे हैं। घर में एक ही लड़की हो तो पकाना सीखना पड़ता है। इससे ज्यादा मजे का व्हाइट लोबिया खाया है पहले? उसके मुकाबले में मेरे वाले को कितने पॉइंट्स मिलेंगे? अर्जुन में हमारी एक पड़ोसन थी, वो बहुत मजेदार बनाती थी, मगर तुम्हारा भी कुछ कम नहीं। सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे, जबरदस्त। क्या आप पहले वहां रहते थे? यूनी से पहले मैं वहीं रहता था। अच्छा, तो आप यहाँ पढ़ने आए थे? हाँ बिल्कुल, पढ़ने आया था। मिशाल की मदर से आपकी मुलाकात कहाँ पर हुई? यहीं पे या फिर अर्जुन से ही जानते थे आप दोनों एक दूसरे को? मुझे कुछ इम्पोर्टेंट मेल्स करनी है। चलें ठीक है, फिर मैं मिशाल के पास जा रही हूँ। समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी गुस्सा कैसे आ जाता है इन्हें। गाड़ी में बैठ जाओ, घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं, मैं पैदल जाऊंगी। रियान प्लीज गाड़ी में बैठो, चलो। जी मैडम, बताएं कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं है मेरे भाई। सिर्फ इसलिए बैठी हूँ कि कहीं आप फिर से लड़ना पड़े, इसके अलावा कोई वजह नहीं। फिक्र मत करो, मैं समझता हूँ।
और ये भी क्लियर है कि बात नहीं करना चाहती अभी। देखो निगार, अब वक्त आ गया है, हमें 2 से 3 हो जाना चाहिए। चुप करो सैफर, या ना सबर दे। निगार देखो, पता है माँ बन के बहुत प्यारी लगोगी तुम। बस सैफर, सिर्फ शेरी आंटी के कहने पर हाँ माँ बनाना चाहते हो तुम मुझे इतनी जल्दी? क्या बात कर रही हो मेरी जान, मैं भी तो यही चाहता हूँ। फिर हमने शादी क्यों की निगार? क्या भूल गई हो तुम कि तुम चाहती थी कि हमारे बहुत सारे बच्चे हों? अम्मी भी ठीक कहती हैं कि हमारे रिश्ते के लिए बेबी बहुत जरूरी है। मैं हर सूरत में बेबी चाहता हूँ। तुम बेबी चाहते हो? पैंपर की कीमतें पता भी है कहाँ जा रही हैं? लगता है खुद को अमीर आदमी समझने लगे हो, ऐसा ही है ना? अब भूल गए क्या हम यहाँ नौकर हैं? और हमारी तनख्वाह का तो सोचो, तो इसीलिए कोई बेबी प्लान नहीं कर सकते। यार अल्लाह की जात है रिस्क देने वाली, क्या एक बच्चे को नहीं पाल सकते हम दोनों मिलके? तुम कभी भी नहीं समझोगे सैफर, मैं बहस के बिल्कुल मूड में नहीं। 10,000 काम पड़े हैं यहाँ। चावल खत्म हो गए। हाँ फालतू बैठी है, ले आएगी निगार। हाँ सुनो, पूरा दिन तो मैं काम करूंगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? सैफर तुम ठीक तो हो? इस तरह चेहरा क्यों लटका हुआ है? मत पूछे मलिकापा, निगार से तलखलामी हुई है। कहती है इतनी जल्दी मां नहीं बनना, कहती है पैसे कहां से आएंगे, बच्चे को कैसे पालेंगे। अम्मी ने जब से कहा है वो दादी बनना चाहती हैं, तब से निगार ने हंगामा किया हुआ है। मलिकापा आप मुझे और निगार दोनों को जानती हैं, बताएं ना क्या करें हम। ये मियां बीवी का बहुत साथी मामला है, इसलिए मैं क्या समझाऊं उसे, मगर तुमसे इतना कहूंगी कि निगार पे इतनी सख्ती मत करो। सख्ती करोगे तो निगार कभी राजी नहीं होगी। प्यार मोहब्बत से बात करो, उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसके साथ हो। और हाँ याद रखना, बच्चा हमेशा मियाँ बीवी की ख्वाहिश से होना चाहिए, इसलिए उसे हरगिज ये एहसास ना हो कि ये बच्चा तुम्हारी माँ की ख्वाहिश है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मैं बाहर जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। कैसी हो रियान स्वीटी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ बिल्कुल। जा रही हो? जा रही हूँ, सॉरी मैं जरा थकी हुई हूँ, रेस्ट करूंगी। ओके डियर, मैं भी बस निकल ही रही हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसी हो तुम जैमरे? बहुत ही बेहतरीन। बर्थडे है कल मेरी, सब इनवाइटेड है, तुम भी आओगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और साथ में रियान को भी लाओगे। याद रहे टाइम पर पहुंच जाना। पूछता हूँ उससे। क्या मतलब पूछता हूँ? जब तक तुम नहीं आओगे पार्टी शुरू नहीं होगी, बस आना है तुमने। जैमरे बस बात खत्म, कोई ऑब्जेक्शन नहीं सुनूंगी, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ तो मेरी जान, कल बहुत मजा आने वाला है, हर किसी को इन्फॉर्म कर दो। आमिर अपनी गंवार बीवी के साथ आ रहा है पार्टी में, कोई मिस ना करेगा तफरी। बहुत बड़ा क्राउड होगा यकीनन। कल जैमरे का बर्थडे है, सुना तुमने? सुन लिया था। उसने पार्टी रखी है और हमें भी इनवाइट किया है वहां, उसने स्पेशली तुम्हें साथ लाने को कहा है।
बहुत शुक्रिया, लेकिन नहीं जा सकती हूँ मैं। मेरी तरफ से माजरत कर लीजिएगा। यार मैंने मना किया था, मगर वो इंसिस्ट कर रही है। आप चले जाइएगा और मेरी तरफ से विश कर देना। यार तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? ऐसा बिहेव इसलिए कर रही ना क्योंकि तुम्हें मुझ पर गुस्सा है। मैं जानबूझकर ऐसे बिहेव नहीं कर रही हूं। यार जबरदस्ती कैसे ले जा सकता हूँ उसे मैं? मना कर चुकी है वो। चलो किसी तरह ले भी जाऊं तो इससे होगा क्या? देखो आमिर गौर से सुनो, वो वहां किसी को नहीं जानती। उस पूरे क्राउड में तुम वही शख्स हो जो उससे क्लोज हो। वो ना चाहते हुए भी साथ बैठेगी तुम्हारे। मैं कुछ ऐसा अरेंज कर दूंगा कि तुम दोनों को तनहाई मिल जाए। वहां तुम उससे बात करना और अच्छे से सॉरी कर लेना। फोन बज रहा है तुम्हारा। कौन था? बैंक वाले। और कौन? दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने। आजिज आ गई हूं इनसे। जब देखो कॉल करते रहते हैं। कल तक अगर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए तो तुम्हारे हस्बैंड को सब कुछ बता दूंगा। अल्लाह गलत करे इसे।